जाने किधर ले जाए तेरे जुनू की राहें, जाने किधर ले जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित, जिन्होंने हाल ही में एक सिंगल गाना गाया है और इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, तमाम और भी बातें करेंगे। जतिन ललित वो जोड़ी है जो 90 के दशक में जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत ही सुमधुर संगीत दिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि अगर हम बात करें, राजू बन गया, जेंटलमैन की बात करें, या तमाम फिल्में उस दौर में जो रिलीज हुई थी, जो गीत वही सिकंदर, ऐसी तमाम फिल्मों में बहुत अच्छा संगीत दिया। जतिन ललित की पहचान उस तरह से होती है। हमारे साथ मौजूद है ललित पंडित जी। मैं चाहूंगा ललित जी की आपने जो गाना गाया वहीं से शुरुआत करें। ये आपका शायद पहला इंडिपेंडेंट एल्बम है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर इसी से शुरुआत करें आपकी गायकी से और फिर हम सवाल जवाब करेंगे। जरूर रवि जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। बड़े दिनों के बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आपसे काफी मुलाकात रही है हमारी, और जरूर मैं गाना सुनाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट एल्बम नहीं है, फर्स्ट सिंगल है। आजकल तो आप जानते हैं कि सिंगल्स ज्यादा रिलीज होते हैं और सिंगल्स बना बना के रिलीज करने का अपना मजा है। तो पहले मैं आपको गाना सुना दूं। जाने किधर ले जाए तेरे जुनू की राहें, जाने किधर ले जाए तेरे जुनू की राहें। तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की औजार। तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की औजार। जाने किधर ले जाए सारे जहां से परे, तेरा दीवाना चले वही तेरी बातें, वही तेरी यादें राहों में सुन लिए। जाने किधर ले जाए तेरे जुनून की राहें। बहुत ही बढ़िया ललित जी, आपने कई फिल्मों में अपनी आवाज में गाने गाए हैं, संगीत भी दिया है और गाने गाए हैं, और मैं जानना चाहूंगा ये जो सिंगल है इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या रही है कि आपको लगा कि ये गाना गाना चाहिए, और इसमें आप नजर भी आ रहे हैं तो कुछ बताइए इसके बारे में, कैसे आपने सोचा कि इस गाने को गाया जाए। देखिए रवि भाई, लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घर से बाहर नहीं निकल सकते, और मैं चाहता था थोड़ा माहौल में भी एक चेंज आए, लोगों को कुछ ऐसी चीज दो कि लोगों को भी मजा आए। और मुझे तो इतने सालों से फिल्म ही की है और हमेशा डायरेक्टर के एक विजन के अंदर म्यूजिक बनाया है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और बड़ा मजेदार काम है और चैलेंजिंग काम है, और उसमें अच्छी भली ऊपर वाले की दया से सफलता भी प्राप्त हुई है। इस गाने को बनाने के पीछे मेरी फैमिली का बड़ा एक वो था कि आप सिंगल्स बनाइए, आप करिए, आपके जो अलग टाइप का म्यूजिक आप जो सुनाते हैं वो बनाइए, वैसा करिए। और मैं रवि जी बचपन से बहुत एविड लिसनर रहा हूँ म्यूजिक का, बहुत म्यूजिक सुनने का शौक था और अभी भी बहुत सुनता हूँ। तो कई चीजें दिमाग में आती हैं और ऐसी चीजें आती हैं जो मैं जानता हूँ कि फिल्म में लोगों को समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टर्स को उन चीजों को लेने। जैसे ये जो गाना है, मेरा ऐसा दिल में ख्याल है कि ये कोई फिल्म में मुश्किल है किसी डायरेक्टर के लिए इसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि आजकल फास्ट पेस नंबर्स चाहिए, डांसिंग नंबर्स चाहिए। जैसा कि मुन्नी बदनाम हुआ, मैंने दिया था, आपको याद होगा हमने इंटरव्यू भी किया था उसका, तो उस टाइप के गाने बहुत जल्दी डायरेक्टर्स को पसंद आ जाते हैं। मगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि अवे फ्रॉम द फिल्मी काइंड ऑफ म्यूजिक। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो आ रहा है, लोग जो कर रहे हैं,
वो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा बना रहे हैं लोग, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम है उनको। ये वो काम है कि जो आपको पसंद है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये स्वीट गन है और इसे करते हैं। और एक मेरे दिमाग में और बात थी कि कोई ऐसा कोई डेस्परेट गाना नहीं करना चाहता था कि भाई हिट हो और ये करें, समथिंग आउट ऑफ माई हार्ट आई वॉन्टेड टू डू। तो ये धुन दिमाग में आई और मैंने सोचा क्यों ना इसे किया जाए। तो इसे आलोक रंजन झा हमारे एक राइटर हैं जिनके साथ मैं काफी पिक्चरें कर चुका हूँ अब तक, इनसे मैंने कहा कि ये गाना लिखो, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा लिख दिया इसको। तो वहां से सिलसिला शुरू हो गया, मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो इसे मैंने सिर्फ कंपोज और गाया ही नहीं, पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग है वो भी मैंने की है, और एक बहुत अच्छी यंग टीम मुझे कैमरा एंड डायरेक्शन की मिल गई। अली हज्जी हैं, बहुत ही यंग डायरेक्टर हैं, और खुश मल्लिक हैं जिन्होंने एडिट किया है, और अच्छे कैमरामैन मिल गए जो कि दोस्ती हैं सब। तो इन्होंने मिलकर बड़ा अच्छा शूट भी कर दिया, आपने देखा होगा। तो शूट में भी मज़ा आया और एक नया एक्सपीरियंस मुझे करियर का नज़र आया, क्योंकि बनाना, रिकॉर्ड करना, फिर गाने को शूट करना कभी पहले तो नहीं किया है। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पिक्चरों में कहीं कहीं काम कर लिया है, और गाने तो गाए हैं फिल्म में मैंने, कहता है दिल बार बार, रोक सको तो रोक लो, जो जीता वही सिकंदर, इन सब पिक्चरों में गाने भी गाए मैंने। तो मैंने सोचा, और हम तो आप जानते हैं हम लोग, ये जो हमारी जो फैमिली है वो मेवाती घराने से हैं, हम गायकों के फैमिली से बिलोंग करते हैं। पंडित जसराज, पंडित प्रताप नारायण मेरे पिताजी महान क्लासिकल गायक रह चुके हैं अपना, और उन्हीं से सीखा भी है हमने। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया बस आप लोगों का प्यार और गुड विशेस। ललित जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपके ऑल टाइम फेवरेट गायक कौन रहे हैं? आपने तमाम गायकों से गवाया है 90 के दशक में, 2000 के बाद भी, आपके ऑल टाइम फेवरेट गायक और गायिकाएं कौन से रहे हैं? किससे आप इंस्पायर्ड रहे हैं? किन्हें सुनना बहुत पसंद रहा है आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे किशोर दा के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, मगर मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर वो हैं, और लता मंगेशकर जी हैं, और आशा जी हैं, और रफी साहब तो हैं। तो ये चार सिंगर जो हैं वो ऑल टाइम फेवरेट हैं, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि लता जी के जो लास्ट डेकेड में गाने हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे ही हैं। पूरी पूरी पिक्चरें गंवाने वाला है इंसान, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब प्यार किसी से होता है, और कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तो और देव साहब की पिक्चर में भी गाना गाया है दीदी ने। तो बहुत उनका आशीर्वाद और बहुत उनका साथ मिला, और बहुत ही प्यार है दीदी का हमारे सबको, आशीर्वाद है उनका। और आशा जी, दीदी ने भी बहुत गाने गाए हैं, अलग अलग फिल्मों में गाए हैं बहुत पहले से। आशा दीदी तो राइट फ्रॉम खिलाड़ी दीदी गाती रही हैं हमारे साथ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रिटर्न ऑफ ज्वेल थी, पूरी पिक्चर के गाने गाए हैं, जब प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। किशोर दा का कोई फेवरेट गाना जो इस वक्त आप गुनगुना के हमें सुनाना चाहेंगे? किशोर दा की और लता जी की, आशा जी की एक बात आपको जरूर बता दूं कि बचपन में मैंने किशोर दा के साथ बच्चों के गाने गाए हैं, रोना कभी नहीं रोना, सारे के सारे गवा को लेके चले, और काफी सारे बचपन के गाने जो हैं वो उनके साथ, आदि बर्मन के गाने मैंने गाए हैं। तो और सुलक्षणा जो मेरी बहन थी, सुलक्षणा जी, वो सुलक्षणा जी और किशोर दा बहुत शो करते थे 70s में। तो किशोर दा के साथ बहुत अच्छे, बहुत रिलेशन बहुत अच्छे थे, घर पे आते थे। किशोर दा ने सुलक्षणा को पहला चांस भी दिया था बेकरार दिल गाना, उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं की कॉम्पोजिशन का, जो कि बहुत बड़ा हिट है। और फिर बहुत सारे गाने किशोर दा ने सुलक्षणा के साथ गाए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग में मैं रहता था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की और कल्याण जी आनंद जी की, राइट फ्रॉम उलझन टू लॉट मैनी फिल्म्स ऑफ हर, अपनापन, फांसी, किशोर दा के साथ गाने गाए हैं सुलक्षणा जी। तो बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे उनके साथ थे, और उनका प्यार और आशीर्वाद तो रहा। हालांकि किशोर दा 87 में ही गुजर गए,
और 90 में मैंने म्यूजिक शुरू किया, मगर बस थोड़ा सा मिस कर गया, नहीं तो उनको भी जरूर वो अफसोस हमेशा आपके जहन में रहेगा कि किशोर दास गवानी जी जी जी। मगर अमित कुमार को मैंने बहुत गाने गवाए अपनी कॉम्पोजिशन, जैसे जैसे कि दीवाना शाहरुख के लिए गवाया, कभी खुशी कभी गम में गवाया उनको, दिल लगी में मेरा गाना उन्होंने गाया था, और अमित जी का बड़ा मजा आता है। फिर मेरी अपनी सोलो पिक्चर थी दूल्हा मिल गया, उसमें बहुत अच्छी एक मजेदार कवाली गाई अमित जी ने बहुत अच्छी। चलिए किशोर दा का आपने गाया है, मैं जरूर एक गाना उनका सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुतवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो खिला करती है तेरे दिल को इस नमन से शिकायत होगी, मेरे महबूब तेरी गली में। कि 90 के दशक में आपने तमाम बड़ी फिल्मों का संगीत दिया, तमाम तरह का हिट संगीत दिया, जो ऐसे कुछ गाने दिए जो आज भी अनमोल हैं, आज भी गुनगुनाए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जतिन ललित की जोड़ी टूट गई, इस बात का अफसोस है आपको, और आपको क्या लगता है कि अगर वो जोड़ी अभी भी सलामत थी तो और भी बहुत सारी फिल्मों का संगीत आप लोग देते, और जो मकाम आप लोगों को हासिल होना चाहिए था वो मकाम हासिल होता। काफी अंडररेटेड संगीतकार आप दोनों को माना जाता रहा है 90 के दशक में, आपको उस बात का अफसोस है कि ये जोड़ी टूट गई? देखिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैं जवाब भी आपको अच्छे से देता हूँ। देखिए जतिन ललित एक बड़ा ब्रांड था जो टूटा, मगर ऐसा कहते हैं लोग और म्यूजिकल लोग कहते हैं कि जो आरडी बर्मन का म्यूजिक था वो उनके गुजरने के बाद और कई साल बीत गए उसके बाद वो जो म्यूजिक उन्होंने बनाया है वो एक कल्ट म्यूजिक सेक्शन में चला गया। उस म्यूजिक को वो बच्चे सुनते हैं जो जब पंचम दास जिंदा थे तब पैदा भी नहीं हुए थे, मगर उनका म्यूजिक अभी तक सुनते हैं, वो एक सेक्शन में दर्ज हो गया है कि भाई ये म्यूजिक जो है बहुत आउटस्टैंडिंग कल्ट म्यूजिक है। 90s का जो म्यूजिक हुआ है उसमें जितने भी हमारे कंटेम्पररीज थे, नदम श्रवन, आनंद मिलन, निखिल विनय, जितने थे, अनु मलिक, अनु मलिक को भी ले लिया, उनमें से सिर्फ जतिन ललित का म्यूजिक जो है वो कल सेक्शन में गया है। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात फना वाज़ द लास्ट म्यूजिक वी डिड, और फना का म्यूजिक अवार्ड विनिंग रहा है, शान वन, वेंट ऑन टू विन ऑल द अवार्ड्स, वी वर नॉमिनेटेड एंड वन क्वाइट अ फ्यू अवार्ड्स। आजकल एक बात अच्छी है कि बहुत सारे अवार्ड नाइट हैं और बहुत सारे अवार्ड जो है तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, मगर नॉमिनेट हो जाना और म्यूजिक को उस लेवल तक ले जाना ही एक क्रेडिटेबल बात है, मुझे ये लगता है। और फना का म्यूजिक वाज द लास्ट म्यूजिक वी डिड व्हिच वाज एट द टॉप दैट ईयर 2006। आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक बार फोन करके कहा था कि जो फना का म्यूजिक है वो वायर अप का हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक रहा है,
दिलवाले दुल्हनिया से भी ज्यादा नहीं, ज्यादा पड़ा है। एचएम भी का म्यूजिक था, बना जो है वो वायरस का म्यूजिक था, वायरस का उनके म्यूजिक कंपनी का हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक है। दिलवाले दुल्हनिया का तो कोई मैच ही नहीं है, इतना बड़ा हिट है वो, क्योंकि वो तो मतलब आप देख रहे हैं पीछे बीबीसी ने उसको अवार्ड दिया इज द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, ये किसी म्यूजिक को नहीं मिला है उनके, और बीबीसी का सर्टिफाइड है, तो बीबीसी मतलब आप समझ सकते हैं कितनी जेन्युइन चीज है, हमारे अवार्ड जैसा नहीं है वो। हैविंग सेड दैट, देखिए अगर काम की ऐसी कंडीशन होती कि कर सकते थे तो मैं जतन के साथ जरूर करता, क्योंकि इस बात का तो मुझे ख्याल था ही कि अगर जोड़ी टूटेगी तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि जब जोड़ी टूटी हो उसमें से एक जो हुआ है वो फिर चल के सक्सेसफुल हुआ। ओनली इन माई केस दिस इज हैपेंड बिकॉज आई वेंट ऑन टू डू, रवि जी मैंने 20 पिक्चरें कर ली इंडिपेंडेंटली अभी तक, और मुन्नी बदनाम मैंने दिया है जो कि बहुत ही बड़ा हिट गाना रहा है, सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा है, और इट वेंट ऑन टू विन 48 अवार्ड नेशनल एंड इंटरनेशनली। और अभी आपको बताऊं मुन्नी बदनाम हैज बीन सेलेक्टेड बाय द यूके गवर्नमेंट फॉर द स्टडी सिलेबस इन स्कूल, दो गाने सेलेक्ट हुए हैं, एक तो जय हुआ है स्टडी कर रहे हैं और मुन्नी बदनाम कर रहे हैं, तो ये गाना वहां तक पहुंच गया है। तो और मैं और पिक्चर कर ही रहा हूँ, इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ मैं, इसके लिए मुझे बहुत पहले से करने का दिल में था मगर मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। मैं कुछ सर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप कि क्या वजह रही कि आपका अलगाव हुआ, मतलब आप चाहें तो दर्शकों के मन में ये उत्सुकता जरूर है, आपने इस बारे में कभी बात नहीं की, और हमने सुना है कि आप वो अमेरिका में रहते हैं जतिन सर। हाँ जतिन फैमिली के साथ अमेरिका में रहते हैं ज्यादा करके, मगर इंडिया आते रहते हैं, यहाँ भी आते हैं और वहाँ भी रहते हैं, दोनों जगह उनके घर हैं। और देखिए कुछ डिफरेंसेस तो जरूर थे इसीलिए आगे नहीं चल पाए हम लोग, और मैं तो बहुत कहता था उनको कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो ये तो ठीक नहीं है, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, मगर कभी कभी बहुत चाह के भी चीजें नहीं हो पाती, तो अगर ऐसा नहीं होता तो स्प्लिट ही नहीं होते, कुछ ना कुछ तो जरूर था जिससे जो बात बन नहीं पाई आगे। मगर जितना गानों के, काम गानों, गानों को लेकर मतभेद या पर्सनल मतभेद रहे हैं सर? पर्सनल मतभेद हो गए थे गानों को लेकर, तो क्या होगा फिर, वो क्रिएटिविटी में भी वो झलक आने लग जाती है थोड़ा काम में, मुझे वही लगता था कि जब क्रिएटिविटी में इफेक्ट होने लगे पर्सनल वर्क तो फिर बात नहीं बनती, तो इसलिए मैं फिर ताकि मैं अभी इंडिपेंडेंट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। चलिए हम चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली 15 सालों से फना के बाद, फना 2006 में आई थी वो आखिरी फिल्म थी जतिन ललित की जोड़ी की, और 15 साल से लगातार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, 20 फिल्में भी आपने कर ली हैं, हम चाहेंगे कि इसी तरह का सुमधुर संगीत आप देते रहें और आगे बढ़ते रहें और सभी का मनोरंजन करते रहें। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए ललित पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रवि जी। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।